चैनल पे जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने पब्लिश किया था उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीम पे फ़ोन पे, जी पे, भीम यूपीआई या पेटीएम यूपीआई अलर्ट्स जो हैं, डोनेशन अलर्ट्स जो हैं, उनको कैसे शो कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे भाई लोगों के डीएम आए मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी और इंस्टा पे भी कि डोनेशन तो बाद की बात है, पहले आप हम लोगों को ये बताइए कि हम लोग अपना जो पेटीएम नंबर है उसको लाइव स्ट्रीम पर शो कैसे करेंगे, कैसे उसको ऐड करना है। तो ये छोटा सा वीडियो इसीलिए कि कैसे आप अपने इस नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप सभी को पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और ये जो नंबर डिस्प्ले करना है, डोनेशन नंबर डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम लोग तीन चार अलग अलग मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो मेथड इस्तेमाल करता हूँ वो आपको शो कर रहा हूँ। पूरी इमेज को बनाने के लिए हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है एक ऐप है जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो भाई लोग पिक्सल लैब पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा सुपर शॉर्टकट तरीका ये है कि हम लोग जिस सीन पे भी हम लोगों को ये नंबर ऐड करना है, हम लोग सिंपली जाएंगे उस पे और यहाँ पे हम लोग एक सोर्स ऐड करेंगे टेक्स्ट GDI, इसको नाम दे देंगे जो चाहेंगे, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं पेटीएम, जी पे, फ़ोन पे और उसके नीचे उसका नंबर। मैं फॉर एग्जांपल आपको जल्दी से टाइप करके बता देता हूँ। तो एक सिंपल तरीका ये है कि सिंपली टाइप करिए और यहाँ पर कलर दे दीजिए। मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर और ओके, और ओके करने के बाद ये आपका नंबर शो हो रहा है। आप चाहें इसको तो इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो राइट क्लिक करके थोड़ी सी विजिबिलिटीज़ की बढ़ाने के लिए इसको बोल्ड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके सेलेक्ट फॉन्ट में जाके इसको कर सकते हैं बोल्ड, या फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं तो ये विजिबल है। तो ये सुपर शॉर्टकट तरीका है एक। और अभी एक आर्टिस्टिक वे देखेंगे, हम लोग पिक्सल लैब में चलेंगे, अच्छी सी एक इमेज बनाएंगे और फिर उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो भाई लोग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अब ओपन करते हैं पिक्सल लैब, और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले चूज़ करना है जो इमेज का साइज़ है। इमेज साइज़ हम लोग दे देंगे 1100 बाय 400, ठीक रहेगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हम लोगों को ये इमेज चाहिए होगा। ओके करते हैं और यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग अपना जो मोबाइल नंबर है उसको डिस्प्ले करते हैं। मैं चूज़ करता हूँ टेक्स्ट एडिट और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, कोई भी जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप अपना डोनेशन चाहते हैं वो। ओके, और यहाँ पे अभी मेरे को सही फॉन्ट चूज़ करना है जो वेट के हिसाब से ठीक हो, बोल्ड हो और साथ में ये जो एरिया है इसको कवर कर ले। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, चूज़ करते हैं फॉन्ट, और फॉन्ट में मैं ब्लॉगर सैंस रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बेहतर है। और थोड़ा सा इसको हम लोग स्ट्रेच आउट करेंगे कि ये पूरी जगह जो है वो अच्छे से ऑक्यूपाई कर ले। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा एक एक ऐसा कलर इसमें हम लोग डालेंगे जो कि हाईलाइट हो अच्छे से हमारी स्ट्रीम पे। तो ये ग्रीन कलर में डाल रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर स्ट्रोक कर देंगे इसको ब्लैक कलर का, जिससे कि इसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनेबल करते हैं इसको और स्ट्रोक के विड्थ में रख लेता हूँ 25, ठीक रहेगी 25। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है बहुत अच्छे से विजिबल है यहाँ पर। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग इस लेयर को कर देते हैं लॉक। लेयर लॉक करने के बाद हम लोग जो एक एक करके जो लोगोज़ हैं उनको ऐड करेंगे। तो मैं प्लस के साइन पर जाकर क्लिक करता हूँ गैलरी, और सबसे पहला जो मैं लेने वाला हूँ वो रहेगा फ़ोनपे। इसको छोटा करेंगे, रिसाइज़ करते हैं जल्दी से। और ध्यान रखिएगा कि ये लोगोज़ की फ़ाइल्स जो आप डाउनलोड करेंगे ये PNG फाइल्स होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं शो होगा, मतलब स्ट्रीम पे अच्छे से शो नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेता हूँ। तो ये हो गया फ़ोन पे। इसके बाद मैं अगला ऐड करता हूँ, अगला रख लेते हैं हम लोग पेटीएम, और अगला ऐड करते हैं पेटीएम। यहाँ पे आपकी ये तीनों फाइल्स जो हैं, तीनों चारों जो भी आप ऐड करने वाले हैं लोगों, ये सारी PNG फाइल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि PNG नहीं होगी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो साइज़ में करीब करीब इसको बराबर करके, आप चाहें तो अच्छे से थोड़ा बारीकी से इसको एनहेंस कर लेंगे, इसका साइज़ और इसका जो ओरिएंटेशन है। इसके बाद मैं फाइनली चूज़ करूँगा जी पे, ओके, और इसको भी छोटा करते हैं और साइज़ में सिमिलर कर लेते हैं जो बाकी हमारे दो लोगोज़ हैं उनसे। और यहाँ आप देखिए कि ये करीब करीब फ़ोन पे के साइज़ में ही आ गया है, तो इसको हम लोग प्लेस करते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ।
तो ये हमारा काम हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है कि इतना करने के बाद अब हम लोगों को इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, हमारी स्ट्रीम पे ट्रांसपेरेंट ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड्स में और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, और अभी इसको फाइल को हम लोग सेव करेंगे PNG की फॉर्म में, सेव इमेज एज, और आप ये देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ PNG, इसको सेव टू गैलरी करते हैं। और उसके बाद फिर इसको हम लोग कॉपी करेंगे अपने सिस्टम पे और फिर OBS में इसको इस्तेमाल करेंगे एज एन इमेज, और इसी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रीम लैब्स ऐप में या फिर ऑमलेट आर्किड में एज एन इमेज अपनी स्ट्रीम पे शो करने के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव टू गैलरी और इमेज जो है वो सेव हो गई है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी OBS की स्क्रीन पे और वहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो भाई लोग अब इस इमेज को हम लोग ऐड करते हैं OBS में। जिस भी सीन पे आपको ये नंबर चाहिए उस पे जाएं और फिर हम लोग क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे ऐड न्यू सोर्स में इमेज, और जो आप नाम चाहें वो दे सकते हैं। आपको पता है मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ हमेशा। क्लिक करते हैं ओके, और यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। ये वो फाइल है जो हम लोगों ने अभी बनाई है पिक्सल लैब पे। ओपन करते हैं इसको ओके, और आप ये देख रहे हैं कि ये इमेज डिस्प्ले हो रही है। आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं और जहाँ चाहें इसको वहाँ पुटअप कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे रिसाइज और पुटअप करना, दोनों आपकी मर्ज़ी है। एक बात ये हम लोगों को ध्यान में रखने की यहाँ पे कि जो इमेज, जो लोगोज़ आप लोग डाउनलोड करेंगे फ़ोन पे, जी पे, जो भी आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो PNG फाइल्स होनी बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल फाइल जब आप पिक्सल लैब में पूरी बना लेंगे तो उसको भी PNG फॉर्मेट में ही आपको सेव करना है, वरना ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। तो भाई लोग इतना इजी है इस डोनेशन नंबर को अपनी लाइव स्ट्रीम पे शो करना। अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम पे नंबर ऑफ़ लाइक्स या जो करंट वॉचिंग है अपनी वो शो करना चाहते हैं या फिर अपना लाइव सब काउंट शो करना चाहते हैं, तो इन तीनों वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी एक नई वीडियो आएगी वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।